सर, जो इशू मैं आज उठाने जा रहा हूं, ये पहले भी इस विधानसभा में उठता रहा, इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये सिर्फ मेरी विधानसभा का नहीं है, पूरी दिल्ली का है, पूरे दिल्ली के 2 करोड़ जो निवासी हैं उनके लिए है। सर, हम सभी जानते हैं कि 3 एंट्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो रिजर्व कैटेगरी में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन तीनों कैटेगरीज का जितना मिसयूज दिल्ली में हो रहा है आज के दिन कहीं भी नहीं हो रहा। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस इस गाइज में, इस इंप्रेशन में कि हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विधानसभा के किसी आंसर का, क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। कमेटी में अगर कोई क्वेश्चन लगाया जाता है उसका यही आता है कि रिजर्व सब्जेक्ट है और हम आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। तो 2 करोड़ जो जनता है दिल्ली की, वो किसके पास जाए? सर, ऑर्गेनाइज क्राइम कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का, गैंग वार्स कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का, ड्रग मैनेस कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का, आर्म्स सप्लाई कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का। पीछे सर 9 तारीख को नजफगढ़ में 2 लड़के बार्बर शॉप में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों में दहशत फैल गई। गैंग वार ओपनली दिल्ली की सड़कों पे हो रहा है, जिससे लोगों में बहुत दहशत है, और वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए कहां जाएं? पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस का आज के दिन सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा बनाओ। डाटा शो करते हैं सर कि पिछले 1.5 महीने में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के 10 ऑफिशियल्स को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दिल्ली पुलिस में। अब इनकी वर्किंग देखिए सर, गैंग वॉर्स दिल्ली में जो चल रहे हैं, ये अपने उस पे फेस, अपने साइट पे ये कुछ गैंगस्टर्स की फोटो डाल के लिखते हैं, इस फलाने पे 10 लाख का इनाम है, इस पे 5 लाख का इनाम है, इस पे 2 लाख का इनाम है। ये किस लिए करते हैं सर? ताकि लोगों को डराया जा सके। बेशक वो लोग जेल में हैं, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनका नाम लेके लोगों से रिकवरी करते हैं। रैंसम कॉल आती है, ट्रेडर्स को आती है, बिजनेसमैन को आती है, आम पब्लिक को आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसमें ना एक्सटोर्शन ना कोई केस रजिस्टर नहीं करती। और अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्टिंगली सर, एक केस में जो मेरी नॉलेज में है, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स ने कहा जब रैंसम कॉल आई कि तुम्हारा सेटल करा देते हैं, वो मीडिएटर बने हुए हैं, ये नहीं कि उसके खिलाफ केस दर्ज करें, कहते हम तुम्हारा सेटल करा देते हैं। तो ये आज के हालात है दिल्ली में, और जब विधानसभा में क्वेश्चन उठता है आंसर ये आता है कि रिजर्व सब्जेक्ट है। तो एलजी साहब को सर इस बारे में सोचना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ये 3-4 बीमारियां, ड्रग्स का ले लीजिए सर, आज ड्रग्स का मैनेस इतना है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। कोई भी दिल्ली के कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी समझदार इज्जतदार आदमी शाम को 7 बजे पार्क में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स का कब्जा हो जाता है। तो लोग जाएं तो जाएं कहां? हो सकता है हमारे हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं है, ये असेंबली भी हेल्पलेस है, लेकिन सर हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन पास करके हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भेजें कि जो आज दिल्ली में हो रहा है। नहीं तो सर सिचुएशन ऐसी आएगी जैसे मैक्सिको की जो सड़कों पे खुलेआम लोगों गोली मार दी जाती है, लूट खसोट होती है, वो दिल्ली में होने जा रही। स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल है, अगर इस कैपिटल में ऐसा हुआ और कोई कंट्रोल इन पर नहीं लगाया दिल्ली पुलिस ने, तो फिर बेटर यही है कि दिल्ली पुलिस का भी कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए, ताकि फिर लोगों को डिफरेंस का पता लगे। तो मेरे आपसे माध्यम से यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए और उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम में भेजा जाए कि दिल्ली पुलिस की वर्किंग में सुधार होना चाहिए। जो गैंग वॉर्स चल रहे हैं दिल्ली में, जो ड्रग्स की बातें चल रही हैं, जो आर्म्स की बातें चल रही हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स की बातें चल रही हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके। मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।